भारत का भूगोल गर्दा उड़ाने वाले प्रश्न, 300 जहरीले प्रश्न एग्जाम देने से पहले रट्टा मार के जाना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर में। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित 300 जहरीले प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइस आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में जीके एक अहम सब्जेक्ट है और उसमें गाइस भूगोल एक अहम टॉपिक है, जिससे एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में टपकता ही है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास को यानी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मैं प्रॉमिस ले सकता हूं कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आपका फंसने ही वाला है। मैं गाइस ये 100% तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं कि पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन ये गाइस मैं आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है गाइस जो बेहतर जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहचान ऐसी बनाओ कि लोग शक्ल से नहीं, नाम सुनते ही पहचान जाए। कितनी ज़बरदस्त लाइन लिखी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि पहचान जो है ये ऐसी बनाओ कि लोग आपका शक्ल से नाम ना जाने, बल्कि गाइस आपका नाम सुने और पहचान जाए कि हाँ उनकी बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आइए अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। लेकिन आप सबको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं तो कृपया आप चैटिंग बंद कर दीजिए। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने अभी रखने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को गाइस आप पढ़िएगा और उसका आंसर भी आप देखते रहिएगा। अगर आप अपने मुख से बोलेंगे और पढ़ करके गाइस इसे समझेंगे तो ये मैं दावा कर सकता हूँ कि निश्चित है गाइस आपको और भी बेहतर से समझ में आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ या फिर जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और चैटिंग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और दिमाग लगा करके पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपके पास समय अभी नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां स्थान है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए नहीं गाइज, यहाँ पर क्यूज मैं नहीं करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज नहीं है, वन लाइनर है, तो आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से आप पढ़िए। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप भी पढ़िए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फिर उसका उत्तर देखिए 7वां स्थान है। इस प्रकार से आप गाइज समझिए, निश्चित है कि आपको और भी बेहतर से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका से। अगला है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा। अगला है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य अंडमान द्वीप। देखो मैं थोड़ी फास्ट पढ़ाऊंगा ताकि कम समय में मैं आपके पूरे 300 प्रश्नों को कवर कर सकूं, इसीलिए गाइस मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप चैटिंग बंद कर दीजिए ताकि हमारा विधान उस पर ना जाए और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, आंसर भी पढ़ते रहिए, भले ही मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना चाहिए। गाइस अगर आप आंसर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो ये गाइस मैं समझ सकता हूँ या गाइस मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो ये निश्चित है कि आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा, आप और भी अच्छे से आंसर को और भी बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को आप पढ़ा करें और उसका आंसर भी आप समझा करें। अगला है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो लिखा गया है 2.4% बिल्कुल सही होगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर आप देख लो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला आपके सामने, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कुल कितना अंतर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 घंटे का या 5 घंटे 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर तक की कुल दूरी जो है वो है 876 किलोमीटर। अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है यह है 15,200 किलोमीटर। अगला, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है ये कुल कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों को मिला करके कितनी है? अगर द्वीप समूहों को भी मिला लिया जाएगा तो हो जाएगा ये 7,516 किलोमीटर। अगर द्वीप समूह को भी मिला लिया जाएगा तो, अगर द्वीप समूह को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला है, भारत में समुद्र से तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो हो जाएंगे कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्र तटरेखा वाले राज्य हैं। यहाँ पर आप देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत में समुद्र तटरेखा से गाइस मिलते हैं। अगला, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात की। अगला है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। ए आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो लिखा गया है, और आगे ए का मतलब यहाँ पर आंसर लिखा गया है। अगला, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का जो गाइस भू आकृतिक भाग है, सबसे प्राचीन भाग है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्साई चीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है मेरे भाई, ये है भारत में शीत मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। अगला है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है या विभाजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23° 30' उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। यहाँ पर जगह सही आंसर होगा वो हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे ध्यान दीजिएगा, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो मैं गाइज आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर कहीं भी अपना नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको ये गाइस
जो क्लास में दे रहा हूँ इसको लिख लेना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या जो क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको उसे नोट कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, मैकाल का पठार जो है ये भारत के किस राज्य में है आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। माय फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला है आपके सामने, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। देखो, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया हमारी मेहनत को देखते हुए क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। गाइस, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी या फ़र्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल के गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है ये कौन सी है मेरे भाई, तो ये है आपकी डूरंड रेखा। और गाइस, इसको स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये गाइस इसको स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हो जाएंगे। अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। माय डियर फ्रेंड्स, अन्नाई मुड़ी चोटी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहाँ पर अन्नाई मुड़ी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आदम का पुल जो है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है। देखो, क्लास आपकी थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है क्योंकि गाइस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, और वैसे तो मैं फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकूँ। फिर भी हो सकता है कि क्लास आपकी लंबी हो जाए, तो गाइस मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में भी क्लास को देख सकते हैं, लेकिन क्लास को पूरा जी जान पूरे दिमाग के साथ बिल्कुल स्थिरता के साथ देखिए, क्योंकि क्लास में क्वेश्चंस की जो गाइस क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ। आदम का पुल जो है किन देशों के मध्य है, भारत और श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत का कौन सा भारतीय क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का जो निर्धारण है ये किसने किया। तो देखो गाइस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है यह है रेडक्लिफ लाइन, और इसको निर्धारण जो है ये किया है सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम राज्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं ये किस राज्य में हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं मेरे प्यारे भाई ये मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तुम्हारे फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंडल चोटी, या फिर जिन्हें आप सैंडल पीक कहते हैं। तो सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, इसका आंसर आप देखिए। देखिए, जो दक्कन का पठार है ये किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार है, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये किस राज्य में हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। 15 अगस्त 1947 आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि पंबन द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है ये कब निर्धारित की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1896 में, यानी 1896 में निर्धारित की गई थी। यहाँ पर डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो कि 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि ओडिशा में पड़ती है। चिल्का झील बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। तो बुलर झील जो है मेरे प्यारे भाई ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, और ये है कहाँ पर? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आपका सही होगा बुलर झील, जम्मू कश्मीर। अगला है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सांभर झील है, और ये राजस्थान राज्य में पड़ती है। अगला है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा सागर झील। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़सोपत जलप्रपात, या फिर जिन्हें जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये हो जाएगा गढ़सोपत या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। मेरे प्यारे भाई गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगला, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वो किस राज्य में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है उसे मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका मेघना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मेघना नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये जो है मेरे प्यारे भाई ये डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हो जाएंगी। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र या गंगा व ब्रह्मपुत्र जो है ये डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो मेरे प्यारे भाई इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है मेरे प्यारे भाई कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मेरे भाई यह है भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी, नर्मदा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है मेरे भाई ये हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगला, कावेरी जल विवाद जो है ये किन राज्यों के बीच है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी जल विवाद जो है मेरे भाई ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखो तो दक्षिणी भारत है गाइस, जैसे पठारी प्रदेशों को वहाँ की जो गाइस नदियाँ है वो कौन सी नदी है जो दो भागों में विभाजित करती है? वो हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेरे प्यारे भाई जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका टिहरी बांध। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखो गाइस जो भारत का सबसे लंबा डैम है वह कौन सा है? हीरा कुंड बांध है।
यहाँ पर हीरा कुंड बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, टेहरी बांध जो है किन नदियों के संगम पर है? सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और भीलांगना नदी के। तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर टेहरी बांध का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही होगा आपका भागीरथी और भीलांगना नदी। अगला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा K2, या फिर जिन्हें K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, या K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पर आपका भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी K2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगला है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। अगला, अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है यह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं गुरु शिखर। मेरे प्यारे भाई, जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसका जो सर्वोच्च शिखर है या जो सबसे ऊंचा शिखर है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? देखो, जो कार्डमम पहाड़ी है या जो इलायची की पहाड़ी है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी आपकी केरल में। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? वो हो जाएगा आपका केरल में। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल व तमिलनाडु, राज्यों को पालघाट दर्रा आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे भाई, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थालघाट दर्रा। जो थालघाट दर्रा है मेरे भाई, ये नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ने का काम करता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा जो है ये कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की जलवायु जो है ये कौन सी कैसी है? तो मेरे प्यारे भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, याद रखना। भारत की जलवायु जो है ये कैसी है? तो ये हो जाएगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला आपके सामने, भारत की सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है गाइस ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ पर आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर हो जाएगा मासिनराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है मेरे प्यारे भाई? तो मासिनराम, बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का जो कारण है ये क्या है? मेरे प्यारे भाई, सबसे अधिक वर्षा की बात की जाएगी तो मासिनराम, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मासिनराम ना दे करके चेरापूंजी ही दिया जाता है तो आप चेरापूंजी ही टिक करेंगे। तो मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है आपसे ये कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहाड़ियों के की जो है कीप की तरह आकृति है, यानी गाय चोटी की तरह आकृति जो है गाइस वहाँ पर पहाड़ियों की, जिसकी वजह से मासिनराम हो गया, चेरापूंजी हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सही आंसर हो जाएगा पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत में जो शीतकालीन वर्षा है ये कहाँ पर होती है? देखो, जो भारत में शीतकालीन वर्षा है ये कहाँ पर होती है आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य हो गया, उड़ीसा राज्य हो गया। यहाँ पर जो गाइस शीतकालीन वर्षा होती है ये होती रहती है, तो तमिलनाडु और उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानसून जो है ये किस भाषा का शब्द है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का। मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा पतझड़ वन,
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पतझड़ वन जो है भारत की सबसे प्रमुख वनस्पति हो जाएगी, पतझड़ वन जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा राज्य में। जो भी मित्र यहाँ पर हरियाणा बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ, आपके लिए अपने कीमती समय खर्च करता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। ठीक है, तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये भी आपको मिला करे। और गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं वो तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि दलदली व ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंग्रोव वन कहा जाता है, दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को। अगला कहा गया कि भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, जो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया, देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये कहा जाए जिससे भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आगे जितना भी लगाया जाए उससे भी ज़्यादा कम है मेरे भाई। ठीक है, कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आंसर के साथ। देखो, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जिम कार्बेट हो जाएगा आपका, जो कि गाइस नैनीताल में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में, यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में पड़ता है उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, अगला, भारत में जो बाघ परियोजना है या जो गाइस प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भारत में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू की गई, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1973 में, 1973 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो देखो भारत में सबसे अधिक गाइस मिट्टी जो है ये पाई जाती है, या सबसे अधिक विस्तार जो है ये किस मिट्टी का है, और सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वह है आपकी जलोढ़ मिट्टी ही। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है मेरे भाई ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, और सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक विस्तार पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी ही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है, देखो लाल मिट्टी जो है मेरे भाई इसके जो लाल रंग हैं ये किसके कारण होते हैं, तो ये होते हैं लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगला आपके सामने कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना जिन्हें हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, वो हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है मेरे भाई, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ब्लैक सॉयल का निर्माण होता है। अगला आपके सामने कि खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल इसमें कौन सी हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा जैसे हो गया ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, तिल हो गया, ये सभी जो है मेरे भाई ये खरीफ की फसलें हो जाएंगी, ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रबी की फसल कौन सी, अब आपको ये बताना है कि रबी मौसम की फसलें कौन कौन सी हैं, तो देखो गाइस रबी की फसलें जैसे हो गया गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी जो है मेरे भाई ये रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी कैसी फसलें हो जाएंगी आपकी, रबी की फसलें। जायद की फसलें देख लो, तो जैसे खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, ये सभी जो है मेरे भाई खरबूजा तरबूजा, ठीक है, ये सभी जो है ये जायद की फसलें हो जाएंगी, ए आंसर आपका जो लिखा गया बिल्कुल सही हो जाएगा। नगदी फसल कौन सी है, नगदी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि नगद दाम आपको तुरंत मिल जाए, जैसे हो गया आपका रबड़ हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, और कपास हो गया मेरे भाई, सूरजमुखी हो गया, ये सभी जो है गाइस ये नगदी फसलें हो जाएंगी। तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये सभी फसलें कैसी हो जाएंगी, नगदी की फसलें हो जाएंगी।
अगला, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? देखो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह कौन सी है मेरे भाई, तो वो हो जाएगी आपकी चावल। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगी। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी या फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास से लगता है इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाएगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है गाइस, तो आप एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, वह लाइक ज़रूर कर देंगे और इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर भी कर दिया करें, ताकि गाइस उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जो भी प्यारे भाई बहन आपके हैं उन तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। गाइस मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर कर लें, हालांकि 300 प्रश्न है गाइस, तो टाइम तो लगेगा ही, आप सभी जानते हैं 300 प्रश्न का मायने हो गया। और अगर आप इन पूरी क्लास को अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद अगर आप इसे रिपीट यानी कि गाइस अगर आप इसे रिवाइज कर लेते हैं, तो ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आपका गाइस कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसे दोबारा रिवाइज भी कर लीजिएगा, यानी एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी देख लीजिएगा। अगर आप क्लास दोबारा नहीं देख पाते हैं तो PDF भी आप देख लीजिएगा, PDF मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखो जो गाइस भारत में हरित क्रांति के जनक है ये किसे माना जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर माना जाता है या जनक माना जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम स्थान है, ठीक है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक जो है ये किसे माना जा कहा जाता है, बताइए। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है मेरे भाई, जिन्हें दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप थर्मल या फिर थर्मल पावर से। तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा जो है गाइस ये ताप थर्मल या फिर थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? याद रखना मेरे भाई, जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है ये हो जाएगा आपका अप्सरा, जो कि 1956 से शुरू हुआ, 1956 से इसकी शुरुआत हुई। तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर हो जाएगा और 1956 में इसकी शुरुआत की गई। भारत का परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ जो है कहाँ से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये हो जाएगी आपकी शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर बनी हुई है। तो शिव समुद्रम परियोजना जो है ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और ये कावेरी नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? मेरे प्यारे भाई, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना है कुल्टी पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। तो 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 1875, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। गाइस जो टिस्को है आप सभी जानते हैं, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, यहाँ पर आप देख लो टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है मेरे प्यारे भाई, ये निजी क्षेत्र में स्टील कंपनी के लिए सबसे कहा जाएगा इस तो पुराना कारखाना हो जाएगा जमशेदपुर में है, ठीक है। अगला, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में लौह अयस्क जो है सबसे अधिक राज्य में पाया जाता है। अगला आपके सामने है कि ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गाइस जावर की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान जो है ये प्रसिद्ध हो जाएगी।
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला ये 3 ऐसे कारखाने थे जो कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए थे। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-7 जो कि वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है, NH-7 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका आंसर आप सभी को बताना है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है ये कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भारतीय रेल। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारतीय रेल, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? अब आप सभी जानते हैं गाइस कि 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाड़े के बीच सबसे पहले अपने यहाँ ट्रेन चली थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो यहाँ पर जो भारत में प्रथम यात्री रेल है ये कब चली? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में। बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? इसका आंसर आप सभी को बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखो, जो भारत में प्रथम विद्युत रेल है ये कब चली? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1925 में। याद रखना मेरे प्यारे भाई, 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1925 में। अगला, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1912 में। भारत में वायु परिवहन का जो शुभारंभ है ये 1912 में किया गया था। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुर्सतगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह को। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, मुंबई बंदरगाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो गंगावरम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में। तो जो भी बारे भाई बहन ऑप्शन यहाँ पर भारत बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा समझौता और थार एक्सप्रेस। समझौता और थार एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला, कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है। अगला, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता, जो कि गाइस हल्दिया है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कोलकाता, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। तो जो भी मित्र मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांडला बंदरगाह। अगला है कि भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1837 या फिर 1837 में। 1837 या 1837 में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ की गई थी।
वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अक्टूबर 1854 में वर्तमान डाक विभाग की स्थापना की गई। बाद में डाक प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना प्यारा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। गाइस, कोई भी क्लासेस अपलोड होंगी तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो गाइस आपके लिए बेहतरीन और सुनहरा मौका है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके बेहतरीन क्यूज भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि डेली होती है। गाइस, टेलीग्राम पर आप क्यूज में भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बता दूं मेरे प्यारे भाई कि जो सारी क्लासेस की पीडीएफ हैं ये आपको टेलीग्राम पर ही मिलती हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है गाइस वहां पर भी आपको इसके पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगला है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य जो है सबसे अधिक या सॉरी सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। अगला है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान राज्य जो है ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा। अगला है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, और लगभग मुझे विश्वास है कि एक घंटे तक गाइज आपकी एक घंटे तक क्लास हो सकती है, एक घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 300 प्रश्न आए और कुल मिलाकर के पेज कितने हैं, 39 पेज हैं, 28 पर पहुँच गए हैं गाइज, कुल मिलाकर के 11 और बच्चे हैं 10-11। तो बस गाइज हम खत्म करने वाले हैं, और अभी 41 मिनट की क्लास भी हुई है, तो हो सकता है कि एक घंटे में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाए, 300 प्रश्न आपकी कवर हो जाए। अगला है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। अगला है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका बिहार। अगला कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। अगला है आपके सामने कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका केरल जो है मेरे प्यारे भाई, ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा। अगला है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? गाइस, अगर आपसे केवल और केवल राज्य पूछा जाता है तब आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाएगा, अगर कहा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब आप कहेंगे दिल्ली यानी दिल्ली, तो यहाँ पर आपका दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ। अगला है कि गुजरात व महाराष्ट्र जो है नए राज्य कब बने? तो ये बने 1 मई 1960 को। हरियाणा और पंजाब का राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का जो गाइस गठन है ये 16 मई 1975 को हुआ। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है ये 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड राज्य का निर्माण जो है ये 9 नवंबर 2000 को हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। झारखंड राज्य का निर्माण जो है मेरे भाई ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। मेघालय राज्य का निर्माण जो है ये 1970 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है ये 1971 में हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण जो है ये 1987 में हुआ। तो वहीं नागालैंड राज्य का जो गठन है गाइस ये 1 दिसंबर 1963 में हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया इन्हें? तो 21 जनवरी 1972 को। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसलिए मैं तेजी से गाइस बढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपके कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे। एक घंटे में 300 प्रश्न गाइस कोई मामूली बात नहीं है। मैंने तेजी से पढ़ाने की कोशिश की ताकि गाइस आपका कम समय में लगे और आप अच्छे से प्रश्नों को समझ सको। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर लेना। अगला कि मिजो जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है भैया। अगला कि पनियान व इरूल जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु राज्य में। अगला कि आओ जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये हो जाएगी आपकी असम में। अगला है कि टोडा जनजाति जो है गाइस ये कहाँ पर पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
गाइस क्लास खत्म होने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है। वैसे तो गाइस मैं आपके लिए पूरी जीजान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव कोशिश कर रहा हूँ ताकि गाइस मैं आपके सपने को पूरा कर सकूँ, आपकी गाइस सिलेक्शन करवा सकूँ, आपकी एक सीट को कन्फर्म करवा सकूँ। और गाइस मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव हमारी कोशिश जारी है। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है और अगर आपके अंदर मेहनत और लगन, निरंतरता, ये तीन चार चीज़ें हैं गाइस, तो निश्चित है कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आपकी एक सीट कन्फर्म जरूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। अगर आपके अंदर गाइस हौसला है तो निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, एक सीट तो आपकी कन्फर्म हो ही जाएगी। तो देखो, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी हो जाएगी, गौंड जनजाति हो जाएगी। मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चन जो है गाइज आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, गौंड जनजाति। अगला है कि सोमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। जो सोमपेन जनजाति है मेरे भाई, ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हो जाएगी। अगला है कि ब्राली व टोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी दादरा एवं नगर हवेली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि चकमा व हलमात जो है किस राज्य की जनजातियां हैं, तो त्रिपुरा की हैं। देखो क्वेश्चन आपको भले ही टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे भाई, याद रखना। अगला कि ईश्वर का निवास जो है ये किस नगर को कहा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो ईश्वर का निवास है ये किस नगर को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज को या फिर जिन्हें आप कहते हो इलाहाबाद को, जहाँ पर मेरी UPSI की रनिंग थी गाइस। तो ठीक है, तो ईश्वर का निवास जो है किस नगर को कहा जाता है, तो प्रयाग को कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब को। पांच नदियों की भूमि जो है ये पंजाब को कहा जाता है, पंजाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य की गाइस राजधानी की बात की जाएगी, तो याद रखना पंजाब की राजधानी जो है ये चंडीगढ़ राज्य का हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेहरू सेतु, जो कि बिहार में सोन नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है मेरे प्यारे भाई, ये नेहरू पुल हो जाएगा या नेहरू सेतु हो जाएगा, जो कि बिहार में सोन नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम हो जाएगा, जो कि कोलकाता राज्य में पड़ता है। अगला आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो कि 11,215 मीटर की है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है मेरे प्यारे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन्स, जो कि अलीपुर में पड़ता है कोलकाता राज्य में। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन्स। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, याद रखना भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में पड़ता है, हावड़ा ब्रिज बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है, इसका आंसर आप सभी बताइए मेरे प्यारे भाई। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके अलावा इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार है वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। तो देखो भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है मेरे प्यारे भाई, तो ये हो जाएगी आपकी कुतुब मीनार, जो कि पड़ती है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में, तो कुतुब मीनार बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर जो है ये कौन सी है एंड ये कहाँ पर है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलोरा गुफा। एलोरा गुफा जो है मेरे प्यारे भाई, ये सबसे बड़ा गुफा हो जाएगा, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, एलोरा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, औरंगाबाद बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा हो जाएगा रामेश्वरम मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि गाइस सबसे लंबी नहर हो जाएगी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांझुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ये सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट।
माय फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, मांझली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है, तो लेह पतन है जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। गाइस इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई यर में सब पर मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ जिस प्रकार से आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं मिल जाएगी। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है गाइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा राज्य में पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स जो सेंट कैथेड्रल है ये गाइस गोवा राज्य में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा गिरजाघर है। यहाँ पर आपका सेंट कैथेड्रल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखो क्षेत्रफल के अनुसार अगर गाइस यहाँ पर के लिखा है, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे प्यारे भाई, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है, गुजरात का जो कच्छ जिला है मेरे भाई, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो या गाइस या फिर कहा जाए जो भाखड़ा डैम है, ये सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर भाखड़ा बांध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है गाइस ये कहाँ पर लगता है, तो सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। तो बिहार के सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा यमुना। यमुना जो है ये सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। तो देखो जो स्वर्ण मंदिर है मेरे भाई ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, और ये पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता है पंजाब के अमृतसर में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण मंदिर, या फिर जिन्हें आप कहते हो गोल्डन टेम्पल। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है गाइस, जिसको इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीतमपुरा टीवी टावर। अगला है कि डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मेरे प्यारे भाई ये डेल्टा ना बनाने वाली भारत की नदी हो जाएगी। अगला है दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सियाचिन, जो कि ग्लेशियर में पड़ता है। अगला है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना परसेंट भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98%, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटुमिनस प्रकार का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे फ्रेंड्स गला बैठ गया है, एक घंटे की क्लास होने वाली है, लेकिन आप सभी ऐसे मित्र हैं कि जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जीजान शिद्दत के साथ आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, फ़र्ज बनता है, और आप सभी को अगर अपनी मेहनत पर विश्वास है लगता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका अपना सपना पूरा हो जाएगा। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है मेरे प्यारे भाई ये भारत को जो गाइस कर्क रेखा इसको दो बार विभाजित करती है, दो बार कट करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका माही नदी। अगला दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कावेरी नदी। मेरे प्यारे भाई अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, और अगर आपके अंदर गाइस लगन निरंतरता और मेहनत लगन और निरंतरता
अगर ये तीन चीज़ें आप अपने दिल में संजोए रखते हैं और अगर आप अपने दिल में ये संजोए रखते हैं कि मुझे हर हाल में इस बार सफल होना है, सक्सेस होना है, सिलेक्शन लेना है, अगर आपके दिल के अंदर ये आग सुलग रही है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको अपने सक्सेस पाने से रोक सके, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने से रोक सके। गाइस, मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, हमारी ये हर संभव कोशिश जारी रहेगी आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। मैं जितनी कोशिश कर पाऊँगा, हर संभव हमारी कोशिश गाइस आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर आप इस क्लास के PDF को पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ओपन करने के बाद गाइस आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, उसके बाद गाइस आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ऊपर जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके गाइस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस जैसे ही आप फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सारी क्लासेस की PDF और हैंड रिटन नोट्स गाइस जो मैंने टेस्ट दिए हैं, जैसे यहाँ पर आदित्य वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी मैंने दे दिया है, साइंस क्लास PDF UPGK साइंस UPGK और भी जो गाइस मैंने दिया है यहाँ पर, करंट अफेयर भी है, घटना चक्र GS भूगोल भी है, हिंदी की सभी रचनाएं हैं, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स हैं। तो गाइस जो जो मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है आप यहाँ पर आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गाइस मैं आपका संडे को टेस्ट लेता हूँ, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया है, सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। याद रहे मेरे भाई, आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना है जिसमें 6700 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। 6.7 के सब्सक्राइबर अगर आपको मिल जाएगा तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई फेक चैनल अगर बना रखा है तो गाइस आप उसे ज्वाइन बिल्कुल ना कीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल है उसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपके सामने मेरे भाई कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर नदी, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर 300 प्रश्नों को कवर कर लिया, मात्र कहा जाए तो एक घंटे में। अभी कुल मिलाकर के 56 मिनट की क्लास हुई है, 56 मिनट में ही मैंने 300 प्रश्नों को कवर कर लिया। चूंकि ये जो गाइस क्वेश्चन थे आपके ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो इसीलिए गाइस मैं कवर कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर देना। हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी, भली बरी बुद्धि, जो भी गाइस आपके प्रति हो, हमारे प्रति राय हो, जो भी हो गाइस क्लास के प्रति आपके मन में जो कुछ भी आकांक्षा हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपनी दो लाइन जाए भाई बहुत ही अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस हौसले को, हमारी इस मेहनत को और भी ज़्यादा उत्साहित करने के लिए आप दो चार शब्द ज़रूर लिखिएगा हमारे प्रति, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप आसानी से जा कर के चेक कर सकते हैं। 7:30 बजे आपकी GK की क्लासेस होती हैं, 7 बजे आपकी हिंदी की क्लासेस होती हैं। इसमें आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गाइज आप समझते हैं कि मेरी इधर गाइस फिजिकल थे तो उसी की तैयारी करने में लगे हुए थे, और आप सभी की दुआओं आशीर्वाद से फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका है। और गाइस अब आपकी क्लासेस जो हैं ये लगातार होती रहेंगी। तो आज की हमारी मेहनत कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी गाइस आपके प्रति हो, वीडियो के नीचे चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपको एक सीट कंफर्म करना है। अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए पूरी जी जान के साथ पढ़ाई करना है, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे UP पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या UP लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा।
इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।